अभिनेत्री कंगना रनौत के अपमान को नारी जाति का अपमान बताते हुए रिगल तिराहे पर महाराणा सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, साथ ही कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन भी दिया। हाल ही में कथित विवाद के बाद मुंबई नगर निगम द्वारा महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। वहीं महाराष्ट्र सरकार एवं शिवसेना के नेताओं द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र भाषा शैली का उपयोग किया गया। अजय सिंह राजपूत ने बताया कि इंदौर में महाराणा सेना ने कंगना रनौत के अपमान को नारी जाति का अपमान बताते हुए रिगल तिराहे पर प्रदर्शन करते हुए इंदौर कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा तथा इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए महाराष्ट्र सरकार एवं शिवसेना द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई। इस दौरान एडवोकेट मनोज साहू ने नारी जाति का अपमान सहन नहीं करने की बात कहते हुए महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की। मनोज साहू ने इस घटना को मानव अधिकार का उल्लंघन बताते हुए मामले की सीबीआई जांच करने की मांग भी की। महिला के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और उनको जो क्षति पहुंचाई जा रही है उसके विरोध में पूरे राजपूत समाज के लोग और हिंदुत्व के लोग यहाँ आके एकत्रित हुए और जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसके खिलाफ कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है और राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति से ये अपील करी है कि ऐसी अत्याचारी जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए और अपराधियों को जेल भेजा जाए और सीबीआई जांच करवाई जाए। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।